बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि लोग नए नए लुभावने नारे लेकर आ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार और दुराचार हुआ है। तो आपको बता दें, अम्बेडकर नगर जेपी नड्डा पहुंचे थे, जहां पर सपा पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। मित्रों, ये जन विश्वास यात्रा लोगों के बीच में जाना, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना, जो कहा वो करके दिखाना, ये आपने पहले कभी सुना था? कभी सुना था? पहले की संस्कृति क्या थी? वोट बटोरो, जनता को बांटो, भाई को भाई से लड़ाओ, नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़ा पैदा करो, सड़क के इस पार और उस पार के बीच में झगड़ा पैदा करो, लोगों को वोट बांट करके ले लो और लेने के बाद भूल जाओ और अगले चुनाव में नए नए नारे लेकर के आ जाओ। यही राजनीति है। ये जनता के बीच में जाना, लोगों का विश्वास लेना, जो कहा था वो करके दिखाना, ये सच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। पिचहत्तर कुंडीय यज्ञ के आयोजन पर साध्वी प्राची बुलंदशहर पहुंची, जहां स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर गायत्री परिवार की ओर से पिचहत्तर कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। वहीं इस यज्ञ के आयोजन पर डॉक्टर साध्वी प्राची ने कहा कि इतिहास कम्युनिस्टों के हाथ में रहा है और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आम लोगों के सामने नहीं आ पाए। वहीं अमृत महोत्सव में ऐसे ही भूले बिसरे क्रांतिकारियों को समाज के सामने याद किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर की ओर से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर साध्वी बोली कि कांग्रेस दोगली राजनीति करती है और मंच पर महिलाओं को लेकर सम्मान दिखाती है, लेकिन वास्तविकता में महिलाओं के सम्मान से कांग्रेस दूर है और कांग्रेस को ऐसी राजनीति के कारण ही सत्ता से दूर जाना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वतंत्रता से स्वाधीनता की ओर। इतिहास क्योंकि कम्युनिस्टों के हाथ में रहा और इतिहास में सच्चाई नहीं आई। बहुत से हमारे क्रांतिकारी, बुलंदशहर के भी बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका इतिहास में कोई चर्चा तक नहीं है, इसीलिए उनकी चर्चा इस मंच पर हो। अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में उस कार्यक्रम में मैं आई। यूपी के पीलीभीत जनपद में जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देशन में जनपद पीलीभीत ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि पहले ये 11 फीट का रिकॉर्ड गुजरात के जामनगर के नाम था, वहीं 16 फीट की बांसुरी बनाने का नया रिकॉर्ड पीलीभीत के नाम दर्ज हुआ है। यह बांसुरी पीलीभीत के कारीगर रईस अहमद ने बनाई है। वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया की ओर से वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। आपको बता दें कि पीलीभीत में इन दिनों बीती 17 दिसंबर से बांसुरी महोत्सव मनाया जा रहा है और महोत्सव में देश के बड़े से बड़े बांसुरी वादकों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। जनपद पीलीभीत को हम सभी पारंपरिक रूप से बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं और यही सोच थी कि यहाँ पे एक बांसुरी महोत्सव कराया जाए, बड़े बड़े बांसुरी के कलाकार यहाँ पर आएँ, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। साथ ही साथ जब ये पता करा गया कि अभी तक का रिकॉर्ड
ऐसी सबसे बड़ी बांसुरी का जिसको बजाया जा सके वो पीलीभीत के नाम नहीं था, वो जामनगर गुजरात के नाम था 11 फीट की बांसुरी का। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इनसे संपर्क करा गया है और एक प्रयास करने का सोचा गया कि ये रिकॉर्ड बांसुरी नगरी के नाम आए, और आज बांसुरी महोत्सव के दिनों में ही हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं। रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद रहे, उनकी टीम मौजूद रही, निर्माण के दौरान वो मौजूद रहे, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं। आज पीलीभीत में जो बांसुरी महोत्सव हो रहा है, जिसमें डीएम ऑफिस और पुलकित खरे साहब ने और उनकी टीम जिला मैजिस्ट्रेट और प्रशासन के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लूट बनाने का रिकॉर्ड हमको इंक्वायर किया था, जिसमें हमारा पुराना जो रिकॉर्ड था वो 11 फीट का था। अभी प्रशासन ने और डीएम ऑफिस ने 16 फीट का ये एक नया फ्लूट बना के, और फ्लूट जो है वो हमारे टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया था। हमारी टीम 15 दिन से जो हमने केपी सिंह साहब है प्रोजेक्ट इंचार्ज। चित्रकूट के भजना आश्रम में कब्जे को लेकर दिन दहाड़े दबंगों ने आश्रम में घुसकर तोड़फोड़ की, साथ ही मारपीट कर कई परिवारों को बंधक बना लिया। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं चित्रकूट की, जहाँ पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। दरअसल दिन दहाड़े आश्रम में घुसकर दबंगों ने तोड़फोड़ की। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भजनाश्रम नामक एक स्थान पर किराएदारी तथा निवास स्थान को लेकर दो बच्चों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संदर्भ में वहां मारपीट की घटना भी सामने आई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को शांत कराया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनाई रखी गई है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। पीलीभीत के गांव में एक 5 साल की बच्ची से गांव के कुछ दरिंदे युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं जब इस मामले की जानकारी पीड़ित बच्ची के परिजनों को हुई तो उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची साथ बलात्कार की घटना हुई है। उनके पिता द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अब पुलिस की तत्परता दिखाते हुए तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, पीड़िता को भेजा गया है और संबंधित कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 19 दिसंबर को विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान और शहीद सैनिकों की पत्नियों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में दर्जनों भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियां शामिल रहीं। विजय दिवस के पर्व में सब फौजी भाई विडोज वीर नारियां इकट्ठे हुए हैं। हमने हमारी भारतीय सेना ने 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद किया था। ये दुनिया में विश्व रिकॉर्ड है। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि आज इसी विजय दिवस के पर्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। आने वाली 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी कड़ी में रविवार को सपा और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी ने संयुक्त रूप से टुंडला नगर में विशाल बाइक रैली निकाली। इस रैली का शुभारंभ टुंडला स्टेशन के पास फ्रेंड्स क्लब से किया गया। वहीं ये बाइक रैली देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निकाली गई, जो नगर से होते हुए गाँव गाँव जाकर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिरोजाबाद की आरएलडी ने ये बाइक रैली निकाली है। साथ ही ये आपको बता दें, बाइक रैली महंगाई के विरोध में निकाली गई है।
हरदोई पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार अब जाने वाली है। अजय लल्लू ने कहा कि बीजेपी से प्रदेश की जनता परेशान है और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है और जनता अब कांग्रेस सरकार ही बनाएगी। वहीं स्मृति ईरानी को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में अजय लल्लू ने कहा कि स्मृति ईरानी कौन है और कहाँ की रहने वाली है, अमेठी की जनता उनको तलाश रही है। देखिए योगी जी फेल हो चुके हैं, अब क्या है उनका सरकार के कामकाज से पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान दुखी है। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान रोज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, गांव का गरीब परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इस सरकार में खाद के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी मांग है, आखिर 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी क्यों नहीं कर रहे हैं? सहारनपुर में ब्लॉक प्रमुख पुवरका पर बीडीसी सदस्यों ने प्रमाण पत्र न देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि गागा लेडी गेस्ट हाउस पर आयोजित ब्लॉक पुवरका के बीडीसी सदस्यों ने एक बार फिर बड़ी बैठक की और ब्लॉक प्रमुख पर उत्पीड़न और अपने प्रमाण पत्र न देने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बीडीसी सदस्यों ने प्रमाण पत्र नहीं देने की सूरत में आंदोलन की रणनीति बनाने की भी चर्चा की। आपको बता दें बीडीसी सदस्यों का आरोप है कि प्रमुख की ओर से दबंगई के चलते उनके प्रमाण पत्र जबरन उनके पास रखे हुए हैं, जिसके न मिलने की सूरत में बीडीसी सदस्यों ने ये बैठक रखी थी। उनका कहना है कि प्रमाण पत्र देने के लिए ब्लॉक प्रमुख मेहरबान मुखिया की ओर से उनसे पैसों की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, ना तो उनको कोई कार्य दिया जा रहा है और ना ही उन्हें किसी मीटिंग में बुलाया जा रहा है। आज की मीटिंग इस मुद्दे पर है, जो इतने बी डी सी हैं जितनों के उन्हें प्रमाण पत्र ले रखे हैं उन्हें प्रमाण पत्र देने से मना कर रहा है। कितने ऐसे बी डी सी हैं जिनके प्रमाण पत्र उसके पास हैं? लगभग ऐसे हैं 50-60 के। अच्छा, लगभग 50-60 आदमी। जब आपने अपने प्रमाण पत्र की डिमांड की तो क्या बताया उसने? तो उसने बताया कि पैसों की डिमांड करा, मैं मेरे पैसे, मुझे पैसे लो, दे दो। आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं उनके? हमारे पास कोई पैसा नहीं उसका है। और मेरे साथ ही बीडीसीओ के बहुत लोग प्रमाण पत्र जो है मेहरबान मुखिया प्रमुख के पास है, ये लोग लेने जाते हैं ना, मना कर देता है, धमकाता है और कहता है तुम्हारे मेरे पास पैसे हैं, पैसे दे दो मेरे, हमें अपने प्रमाण पत्र चाहिए। पैसे पता नहीं कैसे ब्लैकमेलिंग कर रहा, ऐसे पैसे नहीं है। हाल ही में बने लड़कियों के किस साल की उम्र में शादी से संबंधित कानून पर देवबंदी उलेमा कारी इश्क हाक गौरा की भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। उलेमा का कहना है कि सरकार को यदि इसके लिए कानून बनाना था तो सरकार को तमाम धर्म के धर्मगुरुओं से मशवरा और सलाह लेनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि इस मामले पर जल्दबाजी से फैसला लिया गया है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور اصول ہوتے ہیں اور سرکار کو پوری اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ قانون بنائے۔ لڑکیوں کے لیے 21 ورش کی جو ایک قانون کی بات سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو قانون بنانے کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर कानून बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क की ओर से दिए गए अभद्र बयान को लेकर इन दिनों राजनीति गरमाती जा रही है। वहीं अब इस मामले में संभल में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बीजेपी नेता विशाल चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता विशाल चौहान ने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क
को राक्षसी सोच वाला बताते हुए सपा सांसद को समाज के लिए खतरा बताया है। बीजेपी नेता ने सपा सांसद पर भड़कते हुए कहा कि सपा के सांसद महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते हैं। उन्होंने कहा कि सपा के लोग महिलाओं को लेकर जब भी बात करते हैं गंदी बात ही करते हैं। देखिए डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क जब भी इस प्रकार के मुद्दों पर मुंह खोलते हैं हमेशा गंदा ही बोलते हैं। उनकी ये शुरू से आदत रही है, वो तालिबानी मानसिकता से ग्रसित हैं। उन्होंने जब भी महिलाओं के बारे में बोला है गंदा ही बोला है। एक महिला अगर 18 साल की उम्र में उसकी शादी ना होकर 22 साल की उम्र में शादी हो तो क्या वो आवारगी करने लगेगी? क्या उसके पास और काम नहीं है? क्या उसके पास शिक्षा का कार्य नहीं है? क्या उसके पास अपने घर के कार्य नहीं है? एक महिला अपने घर के कार्य करती है, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, घर संभालती है। लेकिन ये अफसोस है कि शफीकुर्रहमान बर्क साहब की राक्षसी सोच में तब्दील हो चुकी है। हाथरस में सदर कोतवाली क्षेत्र के सासनी गेट चौराहे के पास बाजार सड़क पर बाइक टकराने के बाद दो युवकों में भी जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि इस दौरान सड़क पर मौजूद पुलिस ने सामने ही ये दोनों युवक आपस में भिड़ गए और लड़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का बीच बचाव कराया। गाजियाबाद में शादी कार्यक्रम के दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि दूल्हा पहले से ही शादीशुदा था, जिसके बाद इस बात की जानकारी होने पर लड़की पक्ष ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज परिसर में दवाइयों के जलाने का मामला सामने आया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल परिसर में दवाइयों का ढेर जलता दिख रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ CHC परिसर में जलती दवाइयाँ जिम्मेदारों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। वहीं पूरे मामले पर CHC अधीक्षक डॉक्टर सुरेश चंद्रा का कहना है कि ये दवाइयां उनके अस्पताल की नहीं हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ दवाइयां जलाई गई हैं, उस प्रकरण मुझे ये कहना है कि हमारा NM सेंटर जो हमारे दूसरे गेट पर स्थित है, तो वहाँ पर कुछ दवाइयां कुछ लोगों द्वारा फेंकी गई थी। हमारा वहाँ कूड़ा जलाया जा रहा था और उस कूड़े में कुछ लोगों ने दवाइयाँ फेंकी और वो दवाइयाँ हमारे अस्पताल की नहीं हैं, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर, किन लोगों ने फेंकी दवाइयाँ? अब ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ 7-8 मेडिकल स्टोर हैं, उनकी दवाई एक्सपायर होती तो भी कहीं फेंक सकते हैं। मोस्टली लोग कूड़ा भी हमारे ये प्रांगण में फेंकते हैं, तो इसलिए हमने देखा तो है नहीं, किसी पर अच्छा नहीं लगा सकता। ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। वहीं यूपी के कानपुर में भी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको बता दें, कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे, साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों की जानकारी भी ली। आपको बता दें, इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सागर से 2 दिन की यहाँ मॉक ड्रिल के लिए मतलब हम लोगों को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में हम आए थे। तो 17 तारीख को तो हमने पुपराया और सिकंदराबाद CHC का निरीक्षण किया है ना, वहाँ पे मॉक ड्रिल भी कराया गया और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आए थे उन सबको देखा, लोगों ट्रेनिंग ट्रेन लोगों को भी देखा, तो हमें तो काफ़ी प्रैक्टिस मिला। पुपराया का तो खास तौर से काफ़ी अच्छा था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। इन चुनावों के लिए वो प्रदेश की महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने महिला घोषणा पत्र भी जारी किया है। वहीं रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद में उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने की पहल की, तभी जाकर अब सब पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है और इन चुनावों को लेकर प्रदेश की महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो अमित शाह पुणे पहुंचे हुए हैं, जहां से वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, शहर के अध्यक्ष भाई जगदीश मुनिक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, पुणे के लोकप्रिय सांसद श्री गिरी